हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज तो आज की वीडियो की ओपनिंग देख के तो आप डर ही गए होंगे कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, भिंडी बाज़ार पहुँच गई हूँ। लेकिन घबराइए मत, मैं जो है अभी भी दुबई में हूँ। लेकिन मेरा इरादा है आज आप लोगों को ऐसी ज़बरदस्त जगह घुमाने का ना, जहाँ आपको देखने मिलेगी एकदम सस्ती वाली शॉपिंग। जी हाँ, तो इतनी मस्त शॉपिंग मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगी, ऐसे ऐसे आइटम्स दिखाऊँगी और उनके रेट देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो ये जो मैं आई हूँ ना, ये है शारजा इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 6। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ब्रांडेड अनब्रांडेड सारे सामान मिक्स हैं, न्यू ओल्ड सब मिक्स हैं, धूल मिट्टी में लिपटे हुए भी हैं और नए नए फ्रेश ताज़े ताज़े भी हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ किसी से बात करवाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये बताइए कि ये जो सब माल है ये कहाँ से मतलब आता है? ये सारा होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस है, ओके। तो क्या ये मतलब, मैंने सुना अमेज़न से रिजेक्टेड माल जो होता है वो सब नहीं, रहता नहीं, है इधर जो है ना, 6 नंबर में जितने भी छपरे हैं ना, इनमें मिक्स आइटम है। अच्छा, अभी ये जैसे कि सामने आप लगा लें, ये कारपेट पड़े हैं, ये फ्रंट पे जो पड़े हैं न्यू पड़े हैं, ओके। इनकी बैक पे जो पड़ा है वो स्टॉक पड़े हैं। अच्छा, यूज यानी जो 1 डे 2 डे यूज होते हैं ना, हाँ, फिर निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वो फिर इधर आ जाते हैं, वो कंप्लीट बड़े बड़े पीस होते हैं। अच्छा, इस तरह डिफरेंट आइटम अंदर भी ऐसे, ये स्टॉक आइटम अलग है, न्यू आइटम अलग है। अभी ये सामने शॉप है, इनके पास टोटल न्यू है। अच्छा, ये इधर जो भी आइटम है ना, सबके पास मिक्स है, हमारा जो टोटल न्यू है। तो न्यू वाला मतलब मार्केट की प्राइस से कम है कि सेम ही प्राइस रहेगा? मार्केट की सारी बातें कम होगा। अच्छा, मार्केट में जो मॉल वगैरह में जो प्राइस है उससे बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, और सब ब्रांडेड है? चाइना ब्रांडेड सब मिक्स है, ओके। ओरिजिनल ब्रांड नहीं है इधर। अच्छा, जर्मनी इटली फ्रांस जो भी लोग बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं। अच्छा, जो स्टॉक आइटम आती है उसमें कुछ ना कुछ न्यू ओरिजिनल आ जाता है, हाँ। लेकिन रेगुलर रूटीन पे जो है सब चाइना है। अच्छा अच्छा, ये डिफरेंस। ओके, थैंक यू। ओके, तो सुना आप लोगों ने कि यहाँ पे चाइना वाला माल भी है और ओरिजिनल भी है, ब्रांडेड सामान भी है। लेकिन ये नहीं कि बस सब एकदम तैयार रखा है, जैसे मॉल में हम लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, गए और उठा लिए, वैसा नहीं है। यहाँ ज़रा सा इत्मीनान से आना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ आना पड़ता है, और जो है बहुत ही सब्र से ढूंढ के खोद के अंदर से निकालना पड़ता है अच्छे अच्छे सामान। अगर आपकी किस्मत अच्छी तो आपको ज़रूर से मिलेंगे। तो मैं भी बहुत अच्छे अच्छे सामान लेने की नियत से आई हूँ। चलिए देखते हैं मुझे क्या मिलता है यहाँ पे। तो देखिए, गैस वैस आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। यहाँ पे ये बर्तन देखिए, अगर चिकन फ्राई करना हो तो कितना बेहतरीन बर्तन है ये, एक भी चिकन नहीं टूटेगा। और ये देखिए कुकर, देखिए कितना स्टाइलिश, इतना बड़ा, ओ माय गॉड। ये देखिए कितने सारे ये बर्तन, और ब्रांड आप देख रहे हैं डेसिनी का है, ये नॉन स्टिक सिरेमिक बर्तन है, ये देखिए सेट है ये पूरा, और कितने अच्छे कलर्स हैं। और ये कटलरी स्टैंड देखिए कितना अच्छा है, सिल्वर में भी है, गोल्डन एंड ब्लैक में भी है, जैसा आपका घर का इंटीरियर है उस हिसाब से आप यहाँ से सस्ते सस्ते सामान लेके जा सकते हैं। मतलब मॉल में भी ना इतना सस्ता सामान जो है आपको सेल में भी नहीं मिलेगा, 500 का सामान 100 में मिलेगा। लेकिन आप ये मत समझ के आइएगा कि जो है ये जो बोलेंगे उतने में ले लिए, सस्ता मिलता नहीं है सामान, सस्ता करवाना पड़ता है। उसके लिए ना आपको बार्गेनिंग करने में एकदम माहिर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं ना, तो कहीं भी बार्गेन करना होता है ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे आगे कर देते हैं कि इनको पता है कि ये वापस नहीं आने वाली जब तक ये कम नहीं करवा लेगी। तो मैं जाती हूँ और गले में लटक जाती हूँ उनके भाई के, कि जब तक जो है मेरे कम ना कर दे मैं जाने नहीं वाली हूँ, भाई 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 बोल के उनकी जान खा जाती हूँ, कान खा जाती हूँ। बार्गेनिंग करना भी एक आर्ट होता है। भाई ये ब्रांड न्यू कि सेकेंड हैंड है? सेकेंड हैंड, ओके। तो आजकल तो जो है हर स्कूल में आईपैड पे ही पढ़ाई हो रही है, तो एक एक घर में तीन तीन चार चार आईपैड अक्सर लग जाते हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं न्यू आईपैड, तो वो यहाँ से जो है रीजनेबल रेट्स पे लेके जा सकते हैं। और ये देखिए सिलाई मशीन कितनी अच्छी है, आजकल कोई सिलता विलता तो है नहीं, बट फिर भी लाइटनिंग का कितना खूबसूरत टर्किश लाइट्स है, ये देखिए कितना खूबसूरत सामान है। हर टाइप का सामान आपको मिल जाएगा यहाँ, देखिए एयर कूलर से लेके बच्चों के झूले वूले, बेबी चेयर, जो भी आपको टॉयज़ वॉयज़ देखना है
इवन ये कि कमोड की सीट टूट गई है ना, तो उसके भी पार्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, हार्डवेयर का सामान मिल जाएगा। हाँ, इस दुकान में मेरे कुछ काम की मतलब की चीज़ दिख रही है। ये देखिए किचन के कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, रुसल हॉब्स के भी हैं, देखिए ब्रांडेड अनब्रांडेड सब मिक्स हैं, टोस्टर ग्रिल। भाई आपके पास प्रिंसेस का सिट्रस जूसर है क्या? ये जो प्रिंसेस ब्रांड है इसका सिट्रस जूसर है? नहीं है। मैं ना प्रिंसेस का जूसर ढूंढ रही हूँ, और वो जो रोबोट आता है ना, जो वैक्यूम रोबोट जो क्लीन करता है हाउस में, वो देख रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत महंगी महंगी ख़रीदनी नहीं है ब्रांड न्यू। तो देखिए मैं यहीं से देख रही हूँ, अगर मुझे मिल जाती तो अच्छा रहता। ये एक बार ये कितने का है प्रिंसेस का? ये 110 का। सब पीछे हुई। अच्छा, ये न्यू पीस है? कौन सा है, कितने वॉट का? ये भी प्रिंसेस है? ये दोनों प्रिंसेस है, एक प्रोफेशनल है, एक क्लासिक और इस टाइप का है। हमने उसका देखो, सब गिर रहा है उसके पार्ट। कितने वॉट है ये? 160 वॉट। ये अमेज़न का ओपन पीस है क्या? जी। अच्छा, तो क्या डिफेक्ट है इसमें? कुछ नहीं है। ओके, सही है। ओके। अच्छा, क्या रेट है इसका? 110 110। और ये वाला बात करो, लेना है एक बड़ा वाला, ये वाला सही रहेगा ना, बड़ा वाला। अच्छा, ये कितने वॉट्स का और ये कितने वॉट्स का है? ये 160 वॉट का। हाँ, ये 160 वॉट का है। 160। अच्छा, ये कितने में? 90 में है। इसका बॉक्स ऑक्स तो होगा नहीं ना? नहीं, बॉक्स नहीं, विदाउट बॉक्स। ये देखो इससे क्या करते। कौन सी ब्रांड है? नाइकी। चुप रहो, नाइकी की मार थोड़ी है। यहाँ पे जो है शूज़ कपड़े हर ब्रांड के आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो है मैं आपको बता दूँ कि ये कपड़े और शूज़ जो हैं ये ओरिजिनल नहीं हैं, ये जो है कॉपी हैं। फिट तो हो रही, लेकिन अभी तो तुम यल चप्पल लिए थे ना, ये सुपरमैन की। हाँ, वो फिट तो हो रही है, लेकिन अभी तो तुम लिए थे सुपरमैन वाली चप्पल। कहाँ से तुम लिए थे ना फिर से ये? आप पूछिए। ये देखिए, जिद करके इसने ये चप्पल ले ली है ना आरिस, ले ली ना तुमने चप्पल। अब सुपरमैन वाली क्या होगी? हाँ, अब सुपरमैन वाली क्या होगी बताओ? फिट हो रही है। जो फैमिली लेके दुबई में शिफ्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बजट होता नहीं है उनका उतना, तो या फिर जो बैचलर्स हो गए तो वो ना यहाँ से सामान जो है इकट्ठा पूरे घर का सामान ले सकते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और हर एक इक्विपमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये बहुत मार्केट जो है ना बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सब वॉशेबल। तो आप और कंसेशन करेंगे ना, हम उसका मेजरमेंट लेके आएंगे अपना जो है। ये जो सोफे की प्राइस मैं पूछ रही थी, ये पूरा सोफ़ा विद कुशन ये 350 दिरहम बोल रहे हैं अभी, और जब मैं लेने आऊँगी तो 150 तक तो कर ही देंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही एक्सप्लोर कर पाई, और बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, कोशिश करिए कि आप अकेले आएँ तो आप और अच्छी तरह से जो है पूरी मार्केट घूम सकते हैं। तो मैं घर चल के बताती हूँ कि मैंने क्या ली हूँ। तो हम आ गए घर और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि पहले जो हम लोग सिट्रस जूसर यूज़ करते थे वो केनवुड का था, और ये सिर्फ 50 वॉट्स का था। तो 6 लोगों का जूस निकालते मशीन एकदम गर्म हो जाती थी, और मेरे दिमाग में ना एकदम पहले से बसा था कि मुझे प्रिंसेस का ही जूसर चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ये प्रिंसेस का जूसर ख़रीद ली हूँ, इतना अच्छा जेट ब्लैक। वैसे तो मैं सिल्वर ढूंढ रही थी, ये देखिए प्रिंसेस का।
वैसे तो मैं सिल्वर ढूंढ रही थी, लेकिन सिल्वर वाले में कुछ डिफेक्ट थी, तो मैंने जो है अच्छी तरह से देख दाख के ये प्रिंसेस का ली हूँ, और उसको जो है मैंने धो लिया है, एकदम धूल मिट्टी में लिपटा हुआ था अच्छे से वॉश करके। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो ये प्रिंसेस का सिट्रस जूसर है ना, ये यूएई में कहीं नहीं मिलता है, और जो है इसको सिर्फ ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है अमेज़ॉन से, यूके से, और जो है इसकी ओरिजिनल प्राइस है 285 दिरहम प्लस 145 दिरहम शिपिंग। और मैं किस प्राइस में लेके आई हूँ ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मैं इसको सिर्फ 70 दिरहम्स में लेके आई हूँ, मतलब कि मैंने लूट ली इसको। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक यूज़ करके बताती हूँ तो आपको और अच्छी आइडिया मिलेगी। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, एकदम हल्का सा प्रेशर डालेंगे तो एकदम फटाफट जो है पूरा जूस निकल जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है ना कि ये ड्रिप स्टॉप है। तो ये देखिए, मैं आपको ऑरेंज दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा साफ़, नो वेस्टेज। अच्छा, आपको अगर जो है ग्लास में नहीं निकालना है, डायरेक्टली जो है उसके जार में निकालना है ना, तो इसका जो ड्रिप स्टॉप है ना वो आप ऊपर कर देंगे तो ऊपर ही कलेक्ट हो जाएगा, और जब आप जूस निकाल लें आपको डायरेक्टली फिर ग्लास में अगर निकालना है तो इसको आप नीचे कर दें ड्रिप स्टॉप को, तो जो है बिल्कुल भी जो है जूस वेस्ट नहीं होगा। और आपको ग्लास चेंज करना हो तो भी आप आसानी से जो है ग्लास चेंज कर सकते हैं, कोई मेस नहीं होगा, कहीं जो है टपकेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा है। और कुछ कपड़े, जूते, चप्पल ये भी सब लेके आए हैं, लेकिन मुझे मेन जो है अच्छी चीज़ जो है मुझे मिल गई मार्केट में, और रोबो क्लीनर जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिला, और वैक्यूम क्लीनर भी मैं एक ढूंढ रही थी कॉर्डलेस, वो भी मुझे नहीं मिला, तो दोबारा से मुझे चक्कर मारना पड़ेगा। तो आप लोग भी ज़रूर से जो है यहाँ ट्राई करिएगा, ड्रैगन मार्ट आउटलेट मॉल सबसे सस्ता सामान आपको यहाँ मिलेगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।